नमस्ते, बालाजी हिंदी डायरों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस, ये जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका लव रिलेशनशिप सब तक कैसे जाने वाला है, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे प्यार के रिश्ते में हो कुछ भी, लेकिन आपको ये जानना है कि आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, ये जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं होगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, ये रीडिंग होगी 7 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये एनर्जी वाइज वर्षा हो सकते हैं और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं पहले लिब्रा यानी तुला राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, अब नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गए हैं, इंडिसाइसिव हो गए हैं, इनको क्या करना है क्या नहीं करना है इन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको लगता है कभी ये करना चाहिए, कभी जाके बात करनी चाहिए, कभी मिलना चाहिए, तो कभी इस काम को निपटाना चाहिए, कभी उस काम को निपटाना चाहिए। इस कश्मकश में ये बंदा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस बन गए हैं, ये इनको सोच में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी सोच को बदल रहे हैं। देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड कम्युनिकेशन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप लोगों में कम्युनिकेशन हो ऐसा ये बंदा सोच रहा है। लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ वांड्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। जैसा कि मुझे पहले ही दिखाई दिया, मैंने आपसे कहा भी कि ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, इनडिसाइसिव है, क्या करे क्या ना करे इन चीज़ों से परेशान है, मेंटल कंफ्लिक्ट चल रहा है। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए बहुत सारे लोगों की वजह से रिश्ते में परेशानी आ रहा है। इनके पास हो सकता है ऐसा कोई ऑप्शन है जो उनको पसंद नहीं है, ये डिससैटिस्फाइड है, डिसअपॉइंटेड हैं, और जो पसंद है वो उनको मिल नहीं रहा है। तो इस सिलसिले में ये आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है ये ओवरसीज कंट्रीज रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, जो भी है इमोशनली ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, पाजल्ड है, रेस्टलेस है, इनडिसाइसिव है, ये मैं कह सकती हूँ, डिसअपॉइंटेड है। जो भी चीज़ें हो रहा है ये उनको पसंद नहीं है, जो उनको पसंद है, जो ये करना चाहते हैं, जो
इनके जो इनको अच्छा लगता है वो नहीं हो रहा है, तो इस वजह से बंदा परेशान है। और उनको ये लग रहा है कि जिनसे बात करना चाहिए रिश्ते में, जिनके साथ मैं रिश्ते में हूँ, उनसे तो कोई बात नहीं हो रहा है, ना वो मुझसे कोई कांटेक्ट कर रहे हैं। उल्टा बाहर के जो लोग हैं, दूसरे जो लोग हैं रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, चाहे घर वाले हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, इन लोगों की वजह से जो रिश्ता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, रिश्ते में परेशानी आ रहा है, और ये बंदा या बंदी परेशान होता जा रहा है कि क्या करें, कैसे आपके साथ कांटेक्ट करें। ये आपके साथ कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, जो भी बोलना है क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग बीच में आ जा रहे हैं, या फिर ये इतने दूर है, इतने आपसे इतना दूर है कि ये खुद चल के नहीं आ पा रहे, लेकिन ये आने की कोशिश भी करेंगे और सोच भी रहा है कि जल्दी जल्दी आके आपसे बात करें। जितना जो लोग नहीं आ पाएंगे वो डिजिटली कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा है करंटली। अभी हम देखेंगे कि लिब्रा आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे कि आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। लिब्रा, देख लेते हैं लिब्रा आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स को अभी हम देखेंगे कि आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। बाप रे, थ्री ऑफ सोर्ड्स, लग ही रहा था कि रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, मैंने कहा भी, दिखाई भी दे रहा है, तो आपका तो दिल भी टूटा हुआ है। आपको ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो किसी और की वजह से आपको इग्नोर कर रहा है, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, अभी आप दुखी हो। इधर इस बंदा या बंदी भी दुखी हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, परेशान हैं, इंडिसाइसिव है। देख लेते हैं थ्री ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। डेफिनेटली रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन की मौजूदगी है, जिनके साथ आप रिश्ते में हो सकता है उनके लाइफ में कोई और भी है और आप भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में हो, जो भी है रिश्ते में थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं थ्री ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे कि थ्री ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। थ्री ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि थ्री ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। थ्री ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हैंगमैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। थ्री ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। मुझे लगता है आपका दिल टूटा हुआ है, आप दुखी हो, परेशान हो, किसी और की वजह से रिश्ते में परेशानी आया है, आपका दिल टूटा है। आपको ये लग रहा है कि ये जो थर्ड पर्सन है, हमेशा थर्ड पर्सन कोई ऐसा नहीं कि प्यार करने वाला बंदा या बंदी हो जाए, क्योंकि घर वाले भी हो जाते हैं, कुछ लोगों की दोस्त हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा दूसरों की इन्फ्लुएंस में आके काम करते हैं, बातें सोचते हैं, रिश्ते को निभाने के लिए दूसरों की मदद लेते हैं, उन लोगों की रिश्ते में तो डेफिनेटली परेशानी आ जाता है। आप लोगों का जो रिश्ता है लिब्रा, ये पूरी तरीके से स्टक हो गया है, रुक गया है, आपका दिल टूटा हुआ है। जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, आप रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, लाइफ में स्टेबिलिटी हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, और साथ ही साथ आप मेहनत करने में भी बिलीव करते हो कि मेहनत करेंगे, मेहनत करके सब कुछ अगर सही करना है तो करेंगे, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहेंगे, देखते हैं क्या होता है, नहीं, आप खुद भी मेहनत करने के लिए राजी हो, गिव अप करना नहीं चाहते हो, आप सिर्फ वक्त बदलने का इंतज़ार कर रहे हो, आपको ये लगता है कभी किस्मत का साथ मुझे मिल जाए, और जो मेहनत मैंने किया, इतने दिनों तक जो मैंने सहा,
उसका परिणाम मुझे अच्छी तरीके से मिल जाए, अच्छा कुछ मिल जाए, जैसे फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए, जो आपका दिल टूटा हुआ है, जो आप दुखी हो, परेशान हो, इन चीज़ों से आप उब गए हो, रिश्ता भी रुक गया है, आपका कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है, जैसे फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं आ रहा है, रिश्ता भी रुक गया है और आपको आपका दिल भी टूटा हुआ है, तो हर तरीके से आप खुद को एक जकड़ा हुआ स्थिति में पाते हो, स्टकनेस में पा रहे हो आप, और आप चाहते हो कि आपके लाइफ में मूवमेंट हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिले, भाग्य का साथ मिले, लक का साथ मिले, सडन कुछ चेंजेस हो जाए, जिसके लिए अगर आपको मेहनत करना पड़े तो भी आप करोगे, कर भी रहे हो, लेकिन कुछ आगे नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से आप इस वक्त थोड़ा परेशानी में हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। लिब्रा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि लिब्रा आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लिब्रा, फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे कि फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड अचानक से क्यों आ गया है। ये बंदा तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था, डिसाइड करने में रिश्ते को लेके इंडिसाइसिव था, डिसअपॉइंटेड था, दुखी था, फिर इसमें ईगो कहाँ से आ गया। देख लेते हैं, फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। अभी अच्छा, थर्ड पार्टी डेफिनेटली इस रिश्ते में है, ये थर्ड पार्टी का रीडिंग हो रहा है। जिनके साथ जो रिश्ते में है वो तो है, उसके अलावा भी, शादी के अलावा भी किसी के रिश्ते हैं। देख लेते हैं, फाइव ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं अभी। थर्ड पार्टी का रीडिंग हो रहा है, ये पहले ही दिखाई दिया, थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड भी आए थे, फिर अभी आगे आगे भी दिखाई दे भी रहा। यस, पेज ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में। देखो, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो इस बंदे के साथ लिब्रा, तो ये दोनों रिश्ते को संभालना चाहते हैं। अगर नहीं हो तो इनके लाइफ में, अगर पहले से ही शादी है, रिश्ते हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, तो उन चीज़ों को भी इनको रखना है और आपको भी रखना है। ये अगर मैं कहूँ कि ये चाहते क्या हैं, ये अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को इन्हेंस करना चाहते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हेंस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हिम्मत से काम लेना चाहते हैं, वो सच्चाई सामने रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मुँह छुपा के भाग जाए, आपसे भी ना बोले, उनसे भी ना बोले। अगर आपको पता नहीं था तो ये आपको बताना चाहते हैं। ये एक अलग तरीके का किस्सा है कि वो अपने आपके साथ जो रिश्ता है, अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो तो इस रिश्ते के बारे में ये अपने परिवार में बताना चाहते हैं, और अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो दूसरे रिश्ते के बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये अपनी पावर का, अपने पोजिशन का, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट भी, मैं कह सकती हूँ, हमेशा ये ईगो नहीं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे पास और रिश्ते हैं, मैं किसी और से भी प्यार करता हूँ या करती हूँ, इस बात का खुलासा ये करना चाहेंगे, और अपने दम पे। ऐसा नहीं कि आप उनको क्या समझोगे, क्या कहोगे, ये वो, ऐसा नहीं। ये पूरे अपने स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हुए दोनों चीज़ों की जिम्मेदारी लेना भी ये स्वीकार करेंगे कि ये जिस रिश्ते में है वो भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो आपके साथ रिश्ता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनके साथ मैरिड लाइफ लीड कर रहे हो तो आप भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जितना कि इनके लिए इनका लव वंस है,
और ये भी इम्पोर्टेंट है कि लव वंस भी इम्पोर्टेंट है, शादी भी इम्पोर्टेंट है, बच्चे भी इम्पोर्टेंट है, परिवार भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये झुकेंगे नहीं किसी के सामने, ऐसा नहीं कहेंगे अरे मुझसे गलती हो गया, ये वो बातें छुपाना, चीज़ों को छुपा के रखना नहीं। ये जो किसी को ह्यूमिलिएट भी नहीं करना चाहते हैं कि आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, अरे मुझे दोनों रिश्ता रखना है और मैं अपनी मर्जी से चलूँगा। कुछ लोग इस तरीके से ह्यूमिलिएट करेंगे दूसरे व्यक्ति को, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने तरीके से दोनों रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में बात करेंगे, निडर होके कि हाँ मेरे पास और रिश्ता है, हाँ मैं किसी और से भी रिश्ता रख रहा हूँ, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये दोस्ती का रिश्ता है या फिर दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है, हमेशा हर रिश्ते में कुछ गलत होगा ऐसा नहीं है, दोस्ती भी हो सकता है, किसी के साथ बात करके मन हल्का हो सकता है। तो जो भी चीज़ें हैं ये निडर होके सबके सामने उन चीज़ों को बोलना चाहेंगे, और ये दोनों ही रिश्ते को रखना चाहेंगे, किसी को ह्यूमिलिएट करके नहीं, हर किसी को सम्मान देके ये रिश्ते को रखना चाहेंगे। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो लिब्रा। फाइव ऑफ पैंटिकल्स, फाइव ऑफ पैंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। आप पहले से ही दुखी हो, परेशान हो, और आपके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी कम है, और आप वक्त को, हालात को ये कहना चाहते हो कि आपका वक्त बदल जाए, यूनिवर्स का साथ मिल जाए। देख लेते हैं फाइव ऑफ पैंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द एम्प्रेस, एट ऑफ कप्स एंड द हारोफंट। देखो लिब्रा, अगर आप इनके साथ शादी के रिश्ते में हो तो कहीं ना कहीं आप में तो वो एक अलग पावर है। जब ये बंदा या बंदी आपके सामने कन्फेस कर रहे हैं कि ये दोनों रिश्ते को लेके चलेंगे, तो आप इन चीज़ों को ग्रांट नहीं करोगे। हर कोई ग्रांट नहीं करता है, हर किसी कोई किसी में इतना हिम्मत नहीं होता है जानबूझ के हम किसी रिश्ते को ग्रांट करेंगे। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो आप इन चीज़ों को ग्रांट नहीं करोगे, अरे भाई तुम दो रिश्ते में रहोगे और मुझे ये मानना पड़ेगा। इस तरीके का बहुत बड़ा दिल हर किसी के पास नहीं होता है, तो आप को लगेगा भाई तुम अपने तरीके से जियो, तुम्हें अपने तरीका मुबारक, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। आप मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे, आपको लगेगा हालांकि ये शादी है, इसमें ये शादी का रिश्ता है, ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है शादी वाले ही कुछ लोग हैं, शादी का रिश्ता है, बच्चे हैं आपके, परिवार है, आप खुद डिपेंडेंट भी हो, सेल्फ डिपेंडेंट भी हो, फिर भी आपको ये लगेगा कि ऐसा नहीं कि आप पुराने ज़माने की सोच के हो, मॉडर्न सोच के भी हो, लेकिन कितना भी कोई मॉडर्न बन जाए, अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ देखना या उसको उसके साथ रिश्ते रखने में मंजूरी देना, ये बहुत बड़ी बात होता है, तो वो हर कोई नहीं कर सकता।
आपको ये लगेगा भाई तुमको तुम्हारे रिश्ते मुबारक, तुम दो रिश्ते के साथ रहो, एक रिश्ते के साथ रहो, जो रहो रहो, मुझे मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ है आपके पास, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, जितना भी है बहुत है। हो सकता है ये आपके लाइफ से इस तरीके से आधा अधूरा डिसीजन लेके आपके लाइफ में है, जिसकी वजह से आपको फिनेंशियल लॉसेस भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये लगेगा मुझे भी अपने पावर में रहना है, अपने स्टेबिलिटी पर काम करना है। हो सकता है आप इनके बच्चों की माता या पिता हो, आप इनके साथ शादीशुदा हो, इसकी वजह से तो एक अलग पावर आ ही जाता है। तो आपको लगेगा भाई तुम अगर मेरे अलावा किसी और को पसंद करते हो, अच्छा ये तुम्हारा डिसीजन, लेकिन मेरा डिसीजन है मूव ऑन कर जाना, मैं मूव ऑन कर जाऊंगा। कोई मूव ऑन करने के बारे में सोच सकता है इस हफ्ते, और आप जो है मूव ऑन भी करोगे और अपने स्टेबिलिटी पर भी सोचोगे, स्टेबिलिटी को इनहेंस करोगे, खुद काम करना, अपना ख्याल रखना, अपने लुक्स, अपने स्टेबिलिटी, अपने लाइफ की जो गति है उसको पूरी तरीके से चेंज कर देना, खुद का ख्याल रखना, खुद के बारे में सोचना, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना कि भाई मैं, हम भी किसी से कम नहीं है, तुम्हें कोई और पसंद है ये तुम्हारी अपनी सोच है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मुझे भी आता है खुद को खुश रखना, और यूनिवर्स की भरोसे, भगवान की भरोसे, स्पिरिट को आप साक्षी मानकर, जिसे बोलते हैं कि यूनिवर्स को आप ये कहोगे कि भाई जब मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, मुझे पता चल गया है, तो मुझे इस रिश्ते में रहना नहीं है, मुझे मूव ऑन करना है, आप जानो ईश्वर मैं जो कर रहा हूँ ये आपको पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। इस तरीके की सोच के साथ आप मूव ऑन कर सकते हो, मूव ऑन के एनर्जी में आप जा सकते हो, आपको लगेगा कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, ये आप सोचोगे, क्योंकि आप डिसअपॉइंटेड हो, डिससेटिस्फाइड हो, आपके प्यार, आपका प्यार बट रहा है, तो आपको ऐसा आप सोचोगे। अभी हम देखेंगे रिश्ते के आउटकम क्या आ सकता है। लिब्रा, आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि ये रीडिंग इतना बड़ा होता है, कम से कम 23 कार्डों की रीडिंग होता है, 23-24 कार्ड आते हैं इसमें, तो इसमें ऑलरेडी 12 के 12 राशि आ जाते हैं जब हम कार्ड्स क्लियर करते हैं। आउटकम फोर ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, अभी देख लेते हैं फोर ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। फोर ऑफ सोर्स तो आना ही था भाई, दुख तो है, परेशानी है, दिखाई दे रहा है, शुरुआत से ही दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी की रीडिंग हो रहा है, तो किसी ना किसी का तो दिल दुखेगा, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। देख लेते हैं फोर ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। देखो कितना अच्छा पॉइंट आ गया है, चीज़ें कितनी बदल गई हैं, फोर ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कितने स्टेबल कार्डों के साथ। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ
इस रिश्ते का आउटकम कितना अच्छा आया है। शादी तो बची जा रहा है, शादी बचेगा, ये तो सोचने से मैं मूव ऑन कर जाऊँ, ये कर जाऊँ, इतनी सहज तो नहीं है कि हम बोले और हम चले गए। मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो आप, दुखी रहोगे, लेकिन कोई आपको छोड़ेगा भला आपके पर्सन, या फिर आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो आपके रिश्ते जो हैं दुखी होने के बाद भी, परेशान होने के बाद भी, दोनों के जो रिश्ते हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। शादी, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ रिश्ते में आ रहा है, और रिश्ते में मेहनत भी करी जाएगी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत किया जाएगा, रिश्ते में मेहनत किया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये दो दिन के परेशानी है, नहीं, ये परेशानी चल रहा है बहुत दिनों से, महीनों से चल रहा है, सालों से चल रहा है, एक चीज़ ऐसा हो रहा है, एक बार सही हो जाता है, फिर से ये डगमगा जाता है, फिर से सही हो जाता है, फिर से डगमगा जाता है। तो इस रिश्ते में जो कश्मकश चल रहा है वो रहेगा, लेकिन शादी भी रहेगी। शादी में उल्टा स्टेबिलिटी आएगी, डिवाइन इंटरवेंशन के साथ रिश्ते में कुछ चेंजेस होगा, कुछ ऐसी जिसे बोलते हैं सुबुद्धि आएगी, सुचिंता, सुमनन, मतलब सही चीज़ को समझने की दिमाग सोच में परिवर्तन आएगा। सब अच्छे शु मतलब अच्छे 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 सब अच्छी चीज़ें होने शुरू हो जाएंगे। दुखी होना, परेशान होना ये लाजमी है, स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी डिवाइन इंटरवेंशन के साथ, उम्दा सोच के साथ, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ें सही होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, और ये हो भी जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। 11-11 के कार्ड आए हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, शादी, ये जो लोग शादीशुदा हैं उनके शादी बरकरार रहेंगे, परिवार हैं, बच्चे हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी है, ये सब कुछ रहेगा। हाँ, आनाकानी, मनमानी, दुख, परेशानी, ये सब तो रहता है, रिश्तों की ये अंग है, और मेहनत करने से धीरे धीरे ये सही होता भी जाएगा। रिश्ते में मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे छोड़ देने से, चलो जो चल रहा है चलने दो, जा सकी। हैंगमैन के कार्ड आए हैं, पहले लिब्रा ऐसा सोच रहे थे जो हो रहा है होने दो, ये वो, बाद में उनको लगता है नहीं भाई मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा और उसको एग्जीक्यूट भी करनी पड़ेगी। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड द डेविल के कार्ड आए हैं। इसका जो सीधा, जो सीधी सी बात, नो बकवास, रिश्ते को अगर आप बर्डन समझ के आगे ले जाना चाहते हो तो इसमें आपको परेशानी ही दिखेगी, लेकिन जो हो गया अगर आप उसे भूल जाते हो, चीज़ों को, हो सकता है किसी की इन्फ्लुएंस है रिश्ते में, किसी की नज़र है, कोई इस रिश्ते को अपने वश में करना चाहते हैं, किसी को इस रिश्ते को कंट्रोल करना है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में अगर आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोगे, इस बर्डन को लेके सर पे घूमोगे, अरे मेरे रिश्ते में ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप परेशान रहोगे। क्या करना चाहिए आपको, चीज़ों को लेट गो करें और जीरो से शुरू करें। मतलब कल झगड़ लिए, मैंने देखा ऐसे परिवार को, वो रोज़ झगड़ते हैं और फिर रोज़ उठ के, सुबह उठ के वो तैयार होके दोनों मियाँ बीवी जो है ऑफिस चले जाते हैं। क्या उनमें प्यार नहीं है? बहुत प्यार है। जिस मुद्दे पे वो झगड़ते हैं वो बेवजह की मुद्दा होता है, प्यार है, झगड़ लेते हैं, खाना खा लिए, रात को सो गए और फिर सुबह उठ के चले गए। तो उसी तरीके से आपको पता है कि ये एडिक्शन, अट्रैक्शन, ये वो सब रहेगा। कोई भी चीज़ बहुत जल्दी रातों रात नहीं छोड़ा जा सकता, तो
उस चीज को साइड में रखिए और नई शुरुआत कीजिए, सोच को आगे बढ़ाइए, समझिए जो हो गया सो हो गया, अभी मुझे आगे जाना है। तो लिब्रा, आपको जीरो से शुरू करना है। ऐसा नहीं कि ये कुछ नहीं रहेंगे, लाइफ है वही सब कुछ रहेगा, लेकिन मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।